हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरिता और आज आपके लिए लेके आई हूँ नोज़ ब्लीडिंग का टॉपिक। नोज़ ब्लीडिंग किसी को भी हो सकती है, बड़ों को, बच्चों को, किसी को भी हो सकती है। अक्सर ये गर्मियों में होती है। इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी नाक में ड्राइनेस आना, इचिंग होना या फिर आपकी नाक में गहरी चोट लगना। कई बार आप देखते होंगे कि आपकी नाक से तेज खून बहने लगता है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे डॉक्टर्स लोग नक्सीर फूटना या फिर नोज़ ब्लीडिंग कहते हैं। हमारी नाक का काम होता है हमारे शरीर के अंदर जाने वाली हवा को फिल्टर करना। जब गर्मियों में सूखी और गर्म तेज हवाएं चलती हैं, तब नाक के साथ वाली परत लेयर के अंदर रक्त वाहिनी जो होती है वो फट जाती है। रक्त वाहिनी मीन्स नोब ऑफ ब्लड वेसल जो होती है वो फट जाती है, जिसकी वजह से आपको नोज़ ब्लीडिंग होती है। नोज़ ब्लीडिंग को आप फर्स्ट एड की हेल्प से घर पर ही रोक सकते हैं। जिस पेशेंट को नोज़ ब्लीडिंग हो, उसे चेयर पे बिठा के हेड ऊंचा करें इस तरह, और नाक को दबा कर रखें 10 मिनट तक, और टिश्यू पेपर या हैंकी लगा के रखें ताकि आपका नोज से बहने वाला ब्लड एब्जॉर्ब हो सके और वो नाक के अंदर ना जा सके। और आपके माथे पर और गले पर थोड़ी सी आइस क्यूब से मसाज रखें। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको अगर आराम नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो आपको 15 से 20 मिनट में आराम ज़रूर। सिर की परेशानी अगर आपको है तो आप शीशम के पत्ते और बेल के पत्ते का जूस निकालकर 2-3 बूंदे अपनी नाक में डालें तो आपको आराम मिलेगा। दूसरा, हरे धनिए के पत्ते में कपूर मिलाकर अपने नाक में 2-3 बूंद डालें तो भी आपको आराम मिलेगा। तीसरा, सबसे और इम्पॉर्टेंट है, आप अनुलोम विलोम और कपालभाति कर सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिलेगा।